मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर ईवीएस क्लास। बेटा, लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, माय बॉडी पार्ट्स, जिसमें हमने हमारे बॉडी पार्ट्स देखे थे कि हमारे पास कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं और कहाँ पर होते हैं। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फंक्शंस। आज हम उनके कार्य पढ़ेंगे कि उनके कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से फंक्शन हैं, फंक्शंस ऑफ माई बॉडी पार्ट्स। फर्स्ट है आपका ई वाई ई एस, आईज। आईज मीन्स होता है आँखें। आँखों का क्या काम होता है? आई सी विथ माई आईज, है ना, मैं मेरी आँखों से क्या करता हूँ, देखता हूँ। सी मतलब देखना। नेक्स्ट है आपका टंग, टी ओ एन जी यू ई, टंग। आई टेस्ट विथ माई टंग, टेस्ट मतलब स्वाद लेना, मैं मेरी जीभ से स्वाद लेता हूँ। टंग मतलब होता है जीभ। नेक्स्ट है एन ई सी के, नेक। My head rest on my neck, मेरा जो सिर है वो मेरी गर्दन पर टिका हुआ है। नेक मीन्स होता है गर्दन। I can turn my head with the help of my neck, मैं मेरी गर्दन की सहायता से मेरा जो सिर है, हेड जो है, उसको क्या करता हूँ, टर्न मतलब इधर से उधर घुमाता हूँ। नेक्स्ट है एन ओ एस ई, नोज। नोज मीन्स होता है नाक। आई ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू माई नोज, मैं सांस लेता हूँ। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना और स्मेल मतलब सूंघना। मैं किसकी द्वारा सांस लेता हूँ? नाक के द्वारा। और सूंघने का काम भी किसके द्वारा करता हूँ? नाक के द्वारा। नेक्स्ट है हैंड एंड फिंगर्स, हाथ और उंगलियाँ। हाथ और उंगलियों का क्या काम है? आई राइट एंड होल्ड थिंग्स विथ माई हैंड्स एंड फिंगर्स, मैं लिखता हूँ और चीज़ों को पकड़ता हूँ, किससे? मेरे हाथों से और मेरी उंगलियों की मदद से। नेक्स्ट है लेग्स एंड फीट, ठीक है, पैर और पंजे। आई स्टैंड, वॉक, डांस एंड रन ऑन माई फीट। स्टैंड मतलब खड़े होना, वॉक मीन्स चलना, डांस मतलब नृत्य करना, नाचना, एंड रन मीन्स दौड़ना। तो मैं खड़ा होता हूँ, चलता हूँ, डांस करता हूँ और दौड़ता हूँ, किस पर? मेरे पैरों पर, ठीक है। तो ये जो बॉडी पार्ट्स है उसके हमने यहाँ पर फंक्शंस डिस्कस किए हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 12। नाउ नेक्स्ट है माउथ। माउथ में क्या है? देखो, आई ईट एंड स्पीक। ईट मतलब खाना और स्पीक मतलब बोलना, विथ माई माउथ, है ना, मैं खाने और बोलने का काम किससे करता हूँ? मेरे मुंह से। नेक्स्ट है आई बाइट एंड च्यू फूड विथ माई टीथ। अब नेक्स्ट है टीथ, दांत। दांतों से हम क्या करते हैं? बाइट मतलब काटना और च्यू मतलब चबाना। फूड मतलब भोजन, मैं भोजन को, खाने की चीज़ों को काटता हूँ और चपाता हूँ मेरे दांतों की मदद से। नेक्स्ट बॉडी पार्ट से आपका स्किन, है ना। स्किन से हम क्या करते हैं? आई फील विथ माई स्किन, मैं मेरे स्किन से महसूस करता हूँ कि कोई भी चीज़ है तो वो कैसी है, गर्म है, ठंडी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, तो वो हमको किससे पता चलती है? हमारी स्किन से, हमारी जो चमड़ी होती है उससे हमको फील होता है। ना आपको नीचे एक एक्सरसाइज दी हुई है, वो आपको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज है आपकी राइट टू थिंग्स यू कैन डू विद द फॉलोइंग, ठीक है। आपको दो चीज़ें लिखना है जो आप यहाँ पर आपको बॉडी पार्ट्स दिए हैं उससे आप कर सकते हो। फर्स्ट है आपका माउथ, तो माउथ से आप क्या क्या कर सकते हो वो आपको लिखना है, ठीक है। क्या करते हैं हम? माउथ से ईट करते और स्पीक करते, तो आप यहाँ पर दोनों की स्पेलिंग लिखेंगे। नेक्स्ट है हैंड्स। हैंड्स की मदद से आप क्या करते हो? अभी हमने फंक्शंस पढ़े हैं उसमें दिया हुआ है, आपको वहाँ से इसमें आंसर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका लेग्स। लेग्स पैरों की मदद से आप क्या करते हैं? तो आप ये अपने चैप्टर में से भी ढूंढ के लिख सकते हैं और इसका आंसर आपको आंसर की में भी मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, और ये जो एक्सरसाइज है ये आपको बुक में ही करना है। थैंक यू।